हम यहाँ पर क्रोमोसोम्स में ये देखने जा रहे हैं कि क्रोमोसोम्स आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो तीनों डायग्राम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तीनों ही क्रोमोसोम के ही डायग्राम हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो है हमारा, वहां पर आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स थे, उनको हम क्रोमैटिन रेटिकुलम बोले क्योंकि वहां पर नेटवर्किंग काफी ज्यादा थी और इंटरफेज के दौरान जो सेल साइकिल माइटोसिस में आप जो देख रहे हैं वहां पर इंटरफेज के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड्स को हमने क्रोमैटिन रेटिकुलम में टर्म दिया। और इसके बाद में वहां पर हमने क्या देखा कि जो फेजेस डिफरेंट फेजेस में सेल साइकिल के आपको क्रोमोसोम के डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेंगे और अल्टीमेटली आपको सिंगल इंडिविजुअल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर आपको मिलता है, आप इंडिविजुअल स्पिंडल फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं क्रोमोसोम को। तो बेसिकली क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो क्रोमोसोम में फाइनली ये सेल डिविजन के ही दौरान आपको ये स्टेजेस मिलते हैं लेटर स्टेज में कि आपको कंस्ट्रिक्शंस आपको दिखेंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके, तो कंस्ट्रिक्शन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन फर्स्टली होगा एंड देन आप सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस भी कभी कभी देखने को मिलता है। आप ये स्ट्रक्चर जो नीचे देख रहे हैं ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है क्रोमोसोम का। तो आपने स्ट्रक्चर में देखा कि जो आउटर लेयर है वो पेलिकल है, फिर इनर जो आपका यहाँ पर पार्ट है, इनर जो इसमें आप कह सकते हैं कि मटेरियल जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है जो कि नॉन जेनेटिक है, यहाँ पर डीएनए आरएनए का कोई भी प्रेजेंस नहीं होता है। और यहीं पर आपको एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर ओवरऑल बॉडी में मिलती है जो कि क्रोमोनीमेटा है, और इन क्रोमोनीमेटा पर क्रोमोमियर्स जो है वो बीडेड आपको फॉर्म में दिखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि क्रोमोमियर्स पर ही जो है आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोमियर्स जो है उसको कैरियर का वर्क करती हैं, जीन्स को लेकर के साथ में चलती हैं। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं बेसिकली ये आपका जो पहला कंस्ट्रक्शन फॉर्म होगा ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से होते हुए आपका आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर जो है वो है काइनेटो कोर। ओके, दिस इज काइनेटो कोर। और इसके बाद में आप ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ही वो हिस्सा है जहां से क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं या अलग अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, और इस तरीके का कुछ यहाँ पर हिस्सा फॉर्म होता है। ओके, तो ये आपने यहाँ पर देखा ये क्या है, ये आपका सेंट्रोमियर है। ओके, और इस यही आपके फेजेस हैं जो आपका ये फर्दर इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये आपका सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर ही आपका यहाँ पर है जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये बन रहा है। और इसी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर जो कि सेंट्रोमियर फर्दर है और आपका ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर अपार्ट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, और ये आपके आर्म्स कहलाते हैं। ओके, ये जो पोर्शन आपका क्रोमोसोम का फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आर्म्स कहलाते हैं क्रोमोसोम्स के, या फिर हम इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद में आप जो देख रहे हैं किसी किसी क्रोमोसोम्स में ऐसा भी होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी, हर क्रोमोसोम में ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है आप ये देख रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो आप यहाँ पर आउटर बल्जिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहलाता है। ओके, दिस इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर और ये आपका कंस्ट्रक्शन, यहाँ से फिर से एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो रहा है जिसे कि हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में ये जो हिस्सा आपका क्रोमोसोम का होता है इसे हम सैटेलाइट या फिर ट्रैबेंट कहते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर प्रेजेंट हैं और इनका बेसिकली आगे फंक्शन क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये आपके सैटेलाइट या ट्रैबेंट हुए। और एक चीज और इसके साथ में कि क्रोमोसोम का वो हिस्सा जो कि एंड पर होता है वो टीलोमियर कहलाता है, और ये टीलोमियर का खासियत ये होता है कि ये किसी भी अदर बॉडी से अब जाकर के अटैच नहीं करेगी या फिर किसी भी तरीके का एसोसिएशन इनका फर्दर नहीं होता है, ये यहाँ पर एंड है और यहाँ पर कोई भी बॉडी आकर के अटैच नहीं हो सकती या किसी भी तरीके का अब यहाँ पर कोई भी चीज का प्रेजेंस नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स में जिसमें कि सैटेलाइट बॉडी या फिर ट्रैबेंट होता है जो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे का हिस्सा जो होता है पार्ट बनता है सैटेलाइट या फिर ट्रैबेंट, तो यहाँ पर बेसिकली
हम देखते हैं कि जिन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट बॉडी या ट्रिवैंड प्रेजेंट होता है उन्हें हम सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं, सैट क्रोमोसोम्स। ये सैट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सैट मीन्स होता है, अगर इसका फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो दिस इज साइनो एसिड थाइमो न्यूक्ली निको, ओके। तो ये सैट का फुल फॉर्म हुआ। और सैट बॉडी की स्पेशलिटी क्या होती है, आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, साइनो एसिड थाइमो न्यूक्ली निको मीन्स यहाँ पर थाइमीन एसिड की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, ओके। तो यहाँ पर थाइमीन एसिड का प्रेजेंस जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होती है, ओके। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। अब आगे हम देखते हैं कि सैटेलाइट बॉडी जहां पर भी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में, उन्हें हम टैंडम सैट कहते हैं, ओके। तो ये आपका टैंडम सैट क्रोमोसोम यही कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे इसकी यूज जो है, सैटेलाइट बॉडी का जो है यूज बेसिकली क्या होता है, ये मार्कर क्रोमोसोम की तरह यूज किया जाता है। मार्कर क्रोमोसोम्स बेसिकली ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली वहां पर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, और उसे हम एज अ आपके जीनोमिक्स में इसका यूज काफी ज्यादा है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जीनोमिक्स में मार्कर बॉडीज या फिर मार्कर क्रोमोसोम का किस तरीके से यूज होता है। आगे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, टेलोमियर जो होता है वो ऐसा आपका एंड होता है क्रोमोसोम का जहां पर कि कोई भी अदर बॉडीज आकर के अटैच नहीं हो रही हैं, और यहाँ पर इसका एंड होता है। अब यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एसोसिएशन नहीं होता है। और बाकी आपने देखा कि सेल साइकिल में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर क्रोमैटिड्स जो होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्रोमैटिड्स हैं। इन्हें हम जो आपकी क्रोमोसोम्स जब डिवीजन हो रहा है, ये दो आपके पार्ट में बट रहे हैं, आपका ये एक क्रोमोसोम ये हिस्सा हुआ, एक क्रोमोसोम ये हिस्सा हुआ, ये सेंट्रोमियर के थ्रू यहाँ पर अटैच है। और फर्दर डिवीजन होने के बाद में जब एक सेल से आपके दो सेल बन रहे हैं, फिर इससे फर्दर डिवीजन होते चले जाते हैं, तो ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर फॉर्मेशन इनका हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये आपका क्रोमोसोम्स में हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन जो डिफरेंशिएट होता है वो इसी बेसिस पर होता है, क्योंकि जब भी हम क्रोमोसोम को स्टेनिंग करते हैं, ओके, तो क्रोमोसोम बेसिकली बेसिक डाइज से स्टेन होते हैं, जैसे कि बेसिक फशिन हो गया, फ्यूजन जैसे एग्जांपल्स आपके हो गए, एसिटोकार्बिन हो गया, तो ये सब टाइप के आपके डाइज से ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो डाई एक्सेप्ट करते हैं, और ये उन्हीं से ही स्टेन होते हैं। तो जब ये इन्हें स्टेन किया जाता है बेसिक डाई से, तो यहाँ पर कुछ आपको बैंड जो होते हैं फॉर्मेशंस दिखते हैं, बैंड लाइक फॉर्मेशंस दिखते हैं। कुछ पोर्शन आपकी डार्क स्टेनिंग लिए हुए रहते हैं, कुछ आपकी लाइट स्टेनिंग लिए हुए, तो इस तरीके की बैंडिंग यहाँ पर बनती है। लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स, इन्हीं के बेसिस पे हम हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। तो हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन जो होते हैं ये बेसिकली हम इस बेसिस पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जेनेटिकली साउंड और जेनेटिकली जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ये इस जो हम यहाँ पर डाई करते हैं या फिर स्टेनिंग बेसिकली करते हैं, तो इसके बेसिस पे हम ये चीज बता सकते हैं कि कौन सा आपका क्रोमोसोम का पोर्शन यहाँ पर जेनेटिकली एक्टिव है और जेनेटिकली इनएक्टिव है, क्योंकि होल ऑफ द क्रोमोसोम में हमें जीन्स हर जगह आपको एक समान नहीं मिल सकते हैं, इक्वल नहीं मिल सकते हैं। तो फिर ये हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से आता है कि हम जब भी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं।